अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद इस्माइल अहमद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री को मैंने बहुत ज़्यादा समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि उसके जो स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं वो कितने हैं। अराउंड 15 प्रोसेस हैं लेदर इंडस्ट्री के, हम इसको समराइज करके मैंने इसको आपके सामने लिख दिया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है करिंग। करिंग बेसिकली प्रिजर्वेशन मेथड होता है। जैसे ही आपके पास रॉ खाल आती है, जो स्किन होती है किसी भी जानवर की, वो रॉ फॉर्म में आती है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसको थोड़ी देर थोड़ा सा प्रिजर्व करते हैं। आपकी जो खाल होती है वो काफ़ी महीनों तक जो है वो रखी रहती है ऐसी, तो उसको वो ख़राब ना हो उसके लिए हम प्रिजर्वेशन का मेथड यूज़ करते हैं। उसके ऊपर सॉल्टिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर चिलिंग कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड को यूज़ करते हुए उसकी करिंग करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। सेकेंड, सोकिंग। सोकिंग बेसिकली क्या है, हम जो उसके बाद जो करिंग के बाद जो सेकंड स्टेप है, जब आपकी खाल क्योर्ड हो जाए अच्छी तरह से, उसको पानी में डुबा के रख देते हैं, उसको सोक करते हैं अच्छी तरह, उसको पानी के अंदर डुबाए रखते हैं, ताकि आप जो यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे अराउंड 2 से 3 मंथ्स बाद अपनी खाल को यूज़ करोगे, तो उसके अंदर ये होगा कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस जैसी नहीं रहेंगी। तो वापसी उसकी प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए उसको थोड़ा सा वेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सूख चुकी होगी, तो उसकी सोकिंग की जाएगी, उसको वेट किया जाएगा, पानी के अंदर डिबोए रखेंगे। थर्ड स्टेप है पेंटिंग। पेंटिंग बेसिकली नाम से लगेगा कि ये उसके ऊपर कोई पेंट कर रहा है, ये वो नहीं है। ये बेसिकली क्या है, रिमूविंग वूल। हम जो उसके ऊपर जो वूल होता है, जो आपके जिस तरह आपने देखा होगा जो गोट होता है उसके ऊपर दुम्बा होता है, उसके ऊपर देखा होगा आपने, उसके ऊपर मुलायम मुलायम वूल होती है, सही है, उसकी खाल के ऊपर बाल होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सल्फाइड यूज़ करते हैं, सल्फाइड बेस्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं हम उसको रिमूव करने के लिए। जैसे ही उससे पास कराते हैं सल्फाइड बेस्ड सॉल्ट से, तो जो वूल होता है, वूल पोर्शन होता है उसका, वो हट जाता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है लाइमिंग। लाइमिंग बेसिकली क्या है, रिमूविंग अनवांटेड हेयर। जो भी बाल रह जाएंगे, वूल तो रिमूव कर देंगे हम, वूल रिमूव करने के बाद जो स्किन पे बाल चुपके हुए होंगे रह जाएंगे, उसको लाइमिंग करके हटा देंगे। बाल जो है वो जैसे ही लाइमिंग करेंगे, लाइमिंग मीन सॉल्ट वाटर से उसको पास करा के उसकी लाइमिंग करके उसको, उसके जो कुछ बाल रह जाएंगे वो हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग के अंदर हम रिमूव एक्स्ट्रा फ्लैश, जो खाल के ऊपर जो गोश लगा हुआ आ जाता है, जो खाल के ऊपर हल्का हल्का गोश लगा आ जाता है जब आप खाल उतारते हैं किसी भी एनिमल की, तो उसके ऊपर कुछ गोश लगा हुआ आ जाता है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए उसकी फ्लैशिंग की जाती है। नेक्स्ट है डीलाइमिंग। डीलाइमिंग में रिमूव और न्यूट्रलाइज बेसिक नेचर, मतलब आप उसकी दोबारा से डीलाइम करते हैं। जो लाइमिंग की थी, लाइमिंग के अंदर ये होता है कि जो आपकी खाल है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा एसिडिक फॉर्म में, उसकी एसिडिक फॉर्म में खाल आ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है डीलाइमिंग के अंदर, तो उसकी एसिडिटी को कम किया जाता है, उसको किसी भी बेस के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी एसिड बेस की कंपोजिशन मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास बैटिंग। बैटिंग बेसिकली क्या है, आप अपनी खाल के अंदर एंजाइम्स ऐड कराते हैं। एंजाइम्स क्या करता है, आपकी खाल की जो कंपोजिशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको वापसी अपनी फॉर्म में लेके आता है। मतलब अगर कहीं से खाल जो है वो थोड़ी ख़राब हुई हुई है, थोड़ी सी कुछ हुआ हुआ है, तो उसको उसके ऊपर अगर आप ये प्रोसेस करेंगे बैटिंग का, एंजाइम्स ऐड कराएंगे, एंजाइम्स क्या करेंगे, वो जो कुछ आपके जो प्रोटीन्स होते हैं खाल के ऊपर, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स को रिमूव करना हमें लाजमी होता है। प्रोटीन्स जो खाल के अंदर होते हैं उसके रिमूव करने के लिए हम क्या कराते हैं, बैटिंग कराते हैं, जो प्रोटीन खाल के ऊपर लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है पिकलिंग। वीक एसिड एंड सॉल्ट स्टोर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, हम पिकलिंग कराते हैं। पिकलिंग उसका क्या है, वीक एसिड को सॉइल के साथ रिएक्ट करा के उसको वापसी से अपनी खाल बैटिंग के बाद ट्रीट कराते हैं, तो वो बेसिकली हम पिकलिंग कहते हैं। उसके बाद हम रख देते हैं सूखने के लिए, थोड़ा सा उसको रख देते हैं कुछ महीनों के लिए। जब उसको वापसी अपनी खाल को यूज़ करने के लिए हम निकालते हैं, फर्दर टैनिंग प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। टैनिंग के अंदर बेसिकली प्रोटीन रिमूव होते हैं, और इस प्रोसेस में बैटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि इंजाइम ऐड कराते हैं कि वो टैनिंग और पिकलिंग के लिए रेडी हो जाए आपकी खाल, तो उसमें इंजाइम ऐड कराते हैं। नेक्स्ट है डीग्रीजिंग।
डीग्रीजिंग में वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सेस ग्रीस। हम वाटर की मदद से जो उसके ऊपर ग्रीस आ गई, चिकनाई आ गई होगी, उसको हटाते हैं खाल की। नेक्स्ट आ जाए टैनिंग। टैनिंग के अंदर रिमूव करते हैं प्रोटीन, मैंने आपको इसके अंदर बताया। बेसिकली हम रिमूव वो टैनिंग के अंदर प्रोटीन को रिमूव कर रहे होते हैं ताकि आपकी जो खाल है उसके अंदर कोई प्रोटीन ना रहे। प्रोटीन से ये होता है कि जब आप फर्दर उसके अंदर डाइंग करते हैं उस खाल को, तो वो प्रोटीन की वजह से आपकी डाई प्रॉपर नहीं हो पाती, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती खाल के अंदर, तो इसलिए उसको टैनिंग की का प्रोसेस किया जाता है उसके साथ ताकि तमाम प्रोटीन्स जो है वो उसके अंदर से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग। खाल को मोटी खाल होगी तो उसको तीन चार हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, जिस तरह इतनी मोटी खाल है तो उसको उसके ब्लेड से जो है वो उसके तीन चार स्लाइस बना देंगे, तो उसको बेसिकली हम स्प्लिटिंग कहते हैं। शेविंग यूनिफॉर्म थिकनेस बाय शेविंग नॉन ग्रेव ग्रेन साइड। शेविंग करते हैं हम बेसिकली जो नॉन ग्रेन साइड होती है, मतलब जो दाने दाने जो होते हैं, जो उसकी दूसरी साइड होती है जिस पे बाल होते हैं, उसको अच्छी तरह हम क्या करते हैं शेव कर देते हैं, थोड़ी सी भी बाल उसके अंदर ना रहे। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, रिमूव रेजिजुअल केमिकल्स। हम न्यूट्रलाइज करते हैं जो केमिकल्स लगे रह जाते हैं खाल के ऊपर, इतने सारे प्रोसेस करते हैं तो कुछ एंजाइम्स के केमिकल्स लगे रह जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट है डाइंग। सरफेस डाई है, फुल डाई है, तो हम डाइंग का प्रोसेस इसके अंदर करते हैं। दो तरह की डाई करते हैं हम, सिर्फ ऊपर से भी, सिर्फ सरफेस को भी डाई कर सकते हैं और फिर अंदर तक एब्जॉर्ब करके भी पूरी मुकम्मल फुल डाई भी हम कर सकते हैं। लास्ट स्टेप आता है जो कि आपके 15 और लास्ट स्टेप है, वो है आपका फिनिशिंग का। फिनिशिंग के अंदर चेक होती है खाल के, उसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्टेड पीस तो नहीं है, कुछ खाल ख़राब होती है, किसी जानवर को कोई बीमारी हो तो उसमें कुछ उसकी खाल पे खराब वो प्लेट लगा हुआ होता है किसी खाल पे, तो वो ख़राब तो नहीं, उसमें फिनिशिंग में चेक करके फर्दर स्टोरेज और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है, एज अ लेदर प्रोड्यूस हो जाती है आपकी इसके बाद फिनिशिंग के बाद। फिर उसकी मर्ज़ी है आपकी, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह आ गया, आप जिस तरह से करना चाहें वो करके आप मार्केट में लेदर सप्लाई कर रहे होते हैं इन द विंटर सीजन। आई होप कि जो मैंने समराइज किया है इसको पूरा आपके लिए, ये आपके लिए थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ आया होगा यकीनन। और अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी सी देखी और आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।